अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन एंड वेजिटेबल सूप। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं एक डेगची में एक टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक कप शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब मैं इस शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसकी खुशबू आए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें एक कप गाजरें और एक कप बंद गोभी। और अब मैं बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक कप चिकन स्टॉक। चिकन को बॉईल करते टाइम मैंने चिकन स्टॉक निकाल के अलग कर लिया था। चिकन स्टॉक के बाद अब इसमें जाएगा 4 से 5 कप पानी। अब इसमें जाएगा 1 कप चिकन। चिकन को मैंने लहसुन अदरक में अच्छे से भून कर बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद मैंने इसके रेशे कर लिए थे और अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ। चिकन के बाद अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप थोड़ा थोड़ा डालकर चेक कर लीजिएगा। और अब मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही बॉइलिंग स्टेज पे रख दूंगी ताकि जो सब्जियां हैं वो भी थोड़ी सी पक जाए। दो टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली सॉस और सोया सॉस। अगर आप सिरका ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अब बस मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल के इसको गाढ़ा कर दूंगी। मैंने 1 कप प्याली में 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स कर लिया था। अब इसमें मैं वो डाल के इसको बस गाढ़ा कर दूंगी और जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसका फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करूँगी। और इस सूप को अगर सिर्फ प्लेन राइस के साथ खाएँ तो वो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।